नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीन विवाद को लेकर हुई बमबाजी, एक की मौत, दो की हालत गंभीर। पुलिस जिला नवगछिया में सामने आया पुलिस का अमानवीय चेहरा, फरियादी महिला का नहीं दर्ज किया गया FIR। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, नवगछिया में 10 वर्षों से बिना डॉक्टर के चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए मनाया गया संस्कृत सप्ताह दिवस, भारतवर्ष में संस्कृत भाषा के महत्व पर हुई चर्चा। और बांका में महिला की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया, पुलिस को गुमराह करने के लिए रची गई साजिश। अब समाचार विस्तार से। बांका जिला के लकड़ी कोंजी पंचायत अंतर्गत बिलासी गांव शनिवार को बम के धमाकों से थर्रा गया। बमबाजी की घटना में एक तरफ जहां एक युवक की मौत हो गई तो दूसरी तरफ युवक के दो भाई बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज बांका सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। मामले को लेकर मृतक संजय यादव के भाई प्रदीप यादव ने बताया कि गांव में गोतिया कपिलदेव यादव समेत अन्य लोग जमीन पर गैरकानूनी कब्जा करने की नियत से विवाद करते हैं, जबकि बांका न्यायालय के द्वारा विवादित जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया था। इसके बावजूद गोतिया जबरन उक्त जमीन पर कब्जा करने की नियत से जमीन को जोतने का प्रयास कर रहे थे, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन लोगों ने बम मारना शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह हम लोग आए वहां पर, देखे तो हर नहीं जोता था। उसके बाद 10 बजे करीब 11 बजे आए तो हर जोत रहा था, एक आदमी दो आदमी और 15-20 आदमी साइड में बैठा हुआ था। हम लोग मना करने के लिए गया, 25-30 बम फेंका हो, उसमें एक मेरा संजय भाई क्या सर पर लगा, वहीं पर मौत हो गई। कौन कौन फेंका बम? वो फेंका रमेश यादव, महेंद्र यादव, कपिल देव यादव। लॉकडाउन में पुलिस द्वारा लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। ताजा मामला पुलिस जिला नवगछिया के महिला थाना का है, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। दरअसल साहू परवत्ता की एक महिला घायल अवस्था में FIR दर्ज करवाने थाना पहुंची। महिला को जमीनी विवाद में उसके ही पड़ोसी ने लाठी से सर पर प्रहार कर घायल कर दिया था, पर थानाध्यक्ष ने FIR दर्ज नहीं किया, साथ ही महिला को धुतकार कर भगा दिया। महिला सर में लगे चोट के कारण दर्द से तड़पती रही, पर थानाध्यक्ष ने उसे थाना से भगा दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों द्वारा इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर सवाल यह उठता है कि आखिर थाना किस लिए है? यदि बेसहारों के साथ ऐसा सुलूक किया जाएगा तो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठते रहेंगे। हालांकि मामले को लेकर फोन पर नवगछिया SP से बात की गई, उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। जमीन पर जबरदस्ती एक लाख उतारने लगता है, सब चीज गाड़ी घोड़ा लगाने लगता है, हमको कुछ नहीं करने देता। कौन मारा? रंजीत साहू, रंजीत साहू, दिनेश साहू, पुगो साहू। क्या चीज से मारा? बांस से मारा है। नवगछिया प्रखंड के खगड़ा पंचायत अंतर्गत साहू पर्वत्ता में पिछले 10 वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टर के ही चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर यहां भ्रमण करने भी नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र केवल एक नर्स के सहारे चल रहा है। वहीं जब स्वास्थ्य केंद्र में मीडिया की टीम पहुंची तो देखा कि एक गर्भवती महिला बरामदे के फर्श पर लेटी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। सबसे अफसोस की बात यह थी कि अस्पताल में मिलने वाली सारी दवाई एक्सपायर थी। स्वास्थ्य केंद्र मरीजों की जिंदगी से खेल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर यहाँ मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है, जिसके बाद मरीजों को आनंद फानन में मायागंज अस्पताल भेज दिया जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब का पोस्टिंग नहीं है, केवल आप एक नर्स है। हाँ, पूरा स्वास्थ्य केंद्र आपके? हाँ बताइए, एक गर्भवती महिला लेटी हुई है यहाँ पे, जमीन पे लेटी हुई है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, क्यों? डॉक्टर तो यहाँ नहीं है, हम ही देख रेख करते हैं। बहुत गंदा, कोई व्यवस्था नहीं है। आज 20 साल से डॉक्टर नहीं आता है, किसी तरह का कोई उपलब्ध सामान भी नहीं मिलता है, कोई रोगी नहीं जाता है,
और एक नर्स है, वो क्या करेगी बेचारी, जबकि यहाँ भी महामारी का कोरोना का प्रकोप है, लोग परेशान हैं। इस इलाके में साहू पर्वत्ता का हॉस्पिटल पहले बहुत अच्छा से चलता था, आज 20 साल पहले डॉक्टर आते थे, और 20 साल से भी न डॉक्टर आ रहा है और न किसी तरह का कभी इंतजाम हो रही है। सनौला प्रखंड के सनोखर में संस्कृत भारती बिहार के तत्वाधान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को संस्कृत सप्ताह दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकुल समन्वयक अजीत कुमार ने की। इस दौरान उपस्थित संस्कृत भारती के दायित्ववान कार्यकर्ता सह कहलगांव अनुमंडल संयोजक नयन तिवारी ने बताया कि भारतवर्ष प्राचीन काल से ही देवभाषा संस्कृत व संस्कृति से प्रतिष्ठित है। इसके बल पर ही भारत विश्व गुरु के पद पर सुशोभित हुआ, किंतु आज इस भाषा को सामाजिक व प्रशासनिक संरक्षण व सम्मान प्राप्त नहीं है। ज्यादातर स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय इस विषय के शिक्षक से विहीन हैं। पठन पाठन के अभाव में इससे जुड़े लोगों में घोर निराशा है। वहीं इस दौरान मंच संचालन गोपगुड प्रखंड सचिव शिक्षक अर्जुन केसरी ने किया। मौके पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शिवांशु शर्मा, अनिकेत बौशकी, ललिता सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद बांका में अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। कटोरिया थाना क्षेत्र में बसमत्ता पंचायत अंतर्गत सेजवा गांव में विवाहिता पिंकी देवी की ससुराल वालों ने हत्या कर पुलिस को गुमराह करने के लिए खुदकुशी का रंग दे दिया। घटना को लेकर मृतका के पिता घनश्याम यादव ने कहा कि उसकी बेटी पिंकी देवी को पति और ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पिता घनश्याम यादव ने बताया कि पिंकी देवी को एक बेटी भी है जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है। इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के रूप में 2 लाख रुपए एवं एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए शव को फंदे से लटका कर हत्या को खुदकुशी का रूप दे दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत उसरिया धार में मिले 15 वर्षीय युवती की सिरकटी लाश तिंटंगा दियारा के झल्लू दास टोला निवासी नरहरि मंडल की पुत्री एकता कुमारी की है। पूर्व में दर्ज कराई गई अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाँव के ही कुतरू मंडल टोला निवासी युवक प्रमोद मंडल के पुत्र संतोष कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस सक्रिय रहती तो आज एकता जिंदा रहती। परिजनों ने कहा कि 6 जुलाई को एकता लापता हुई थी और 11 जुलाई को रंगरा पुलिस को आवेदन दिया गया था। वरीय पुलिस अधिकारियों का भी दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा अपहरणकर्ताओं ने उसे 20 दिन तक अपने चंगुल में रखा और फिर निर्मम हत्या कर सरकटी लाश को गंगा किनारे फेंक दिया। हालांकि पुलिस अभी भी स्पष्ट रूप से यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उक्त शव एकता की है। पुलिस का कहना है कि चूंकि शव का कोई दूसरा दावेदार नहीं था, इसीलिए एकता के परिजनों को ही शव दे दिया गया। पूरा मामला डीएनए टेस्ट आने के बाद ही सामने आएगा। मामले को लेकर नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने कहा कि एकता के अपहरण मामले में आरोपी संतोष को जेल भेज दिया गया है। डीएनए के बाद ही स्पष्ट होगा कि उक्त शव एकता की है या नहीं, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रख कर अनुसंधान कर रही है। नहीं है, कहां का वो रहने वाला है? यही है, गांव में वो टेर हमको नहीं है। कहां का रहने वाला आरोपी? यहां के है, कुतरूदास टोला मंडल का है, बगले में है, एक ही गांव है। उसका नाम है संतोष कुमार, प्रमोद का बेटा है संतोष कुमार। पुलिस क्या बोलेगी, वो तो आया था,
खोजी हरी गया तो गया है, पुलिस कहाँ अभी आ रहा है, कहाँ जाँच हम देख रहे हैं। उसका सर दाग था, पीठी में दिनाया हुआ था, इसीलिए मैं पहचान गया। उसका मुंडी कटा था और हाथ सब में खुट्टी भूखा था, पेट में भी भूखा था, मैं इसीलिए पहचान गया और कपड़ा से पहचान गया। हमारा बेटी का 1,00,000 जेवर यहाँ यार नहीं मत यार, बस में उड़ा पुरा सब चीज ले लेका बस लेके भागी चलो अगले। पैसा हाथ लगले में, पैसा हाथ लगले बस में ले चलो अगले। कितना पैसा? 1,50,000 जेवर। नवगछिया अनुमंडल से सटे ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा बाढ़ का कहर इन दिनों सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोग दहशत भरा जिंदगी जी रहे हैं, वहीं कदवा दियारा पंचायत में शिव मंदिर के समीप कोसी के तेज बहाव के कारण बाबा विशु राउत की तरफ जाने वाले पीसीसी सड़क के नीचे की मिट्टी तेज बहाव में बह गई, जिसके कारण सड़क पर चलना खतरनाक हो गया है। हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हो इसके लिए सड़क पर बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं बाढ़ का कहर बांका जिला में भी दिखने लगा है। शुक्रवार को करीब 2 घंटे बारिश होने के बाद अमरपुर में सिहडी मोड़ के पास डायवर्सन पूरी तरह से टूट गया, जिस कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ डायवर्सन टूटने का डर। हालांकि राहत भरी बात यह है कि पुल निर्माण का कार्य भी विधानसभा चुनाव को लेकर तेजी से चल रहा है। बांका शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन के तहत बनाई गई क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए कार्यरत हलवाई, रसोईया, किराना दुकानदार, टेंट वाले, बर्तन दुकानदार समेत 2 दर्जन लोगों ने बकाया मजदूरी की मांग को लेकर जिला पदाधिकारी बांका को लिखित आवेदन दिया और मजदूरी का भुगतान कराने की मांग की। शनिवार को लगभग 2 दर्जन दुकानदार एवं मजदूरों ने जिला समाहरणालय पहुंचकर जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया। मौके पर बर्तन दुकानदार श्याम शाह लहरी, किराना दुकानदार रवि कुमार, राकेश कुमार, हलवाई गौतम कुमार समेत आदि ने बताया कि सभी लोगों का लगभग 40,00,000 रुपए बकाया है, जिसके भुगतान के लिए वो सभी अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। जबकि मेरा 1,20,000 दिए हुए हैं, बोला बर्तन का पैसा 80,000 रुपया आया है वहाँ सरकार के यहाँ से, 80,000 रुपया खाता में, हम कहाँ कितना काटेंगे, पैसे नहीं है, 1,20,000 मेरा बाकी है सर। कल भी 4 घंटा हमको बैठा लिया, पैसा नहीं दिया, अभी आज का टाइम दिया था, बोला दुकान आएंगे, दुकान भी नहीं आया। कौन बैठा लिया? सीए साहब और आपका नाजिर साहब। श्रावण के पावन माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना का शास्त्रों में विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु कांधे पर कांवर लेकर भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करने शिवालय पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद करा दिया है। यही कारण है कि श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा से भक्त वंचित हो गए। इसको लेकर केंद्रीय रेलवे रेलयात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को बाबा वैद्यनाथ मंदिर खोलने का निर्देश दिया, उसी प्रकार बिहार सरकार भी सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए राज्य के सभी शिवालयों को खोलने पर विचार करे। विष्णु खेतान ने बाबा बटेश्वर मंदिर, बाबा बूढ़ानाथ मंदिर एवं धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना की अनुमति देने की मांग की है। बकरीद को लेकर CTSP ने अपने दलबल के साथ नाथनगर के विभिन्न इलाकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं इस बार नाथनगर CTS स्थित करणगढ़ मैदान में बकरीद की नमाज अदा नहीं की गई। CTSP ने सभी से कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग में रहने का अनुरोध किया। वहीं CTSP SK सरोज ने कहा कि किसी भी मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। शहर में शांति बनाए रखने के लिए सभी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। शहर में शांति तरीके से बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। बकरीद पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो इसके लिए हर संभव कोशिश की गई है। महत्वपूर्ण चौक चौराहों पे पुलिस बल का प्रतिनिधित्व किया गया है, मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व किया गया है, गश्ती गाड़ियां बढ़ाई गई हैं, हर गली मोहल्ले में गश्ती गाड़ी घूम रही, आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा सिविल में भी फोर्स पूरे इलाके में भ्रमणशील है, उसकी नज़र है आम लोगों पर। इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो, लोग मास्क पहने, और जो सोशल मीडिया है, जो हमारा साइबर सेल है, वो भी एक्टिव है, वो भी नज़र रखे हुए। सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव कार्य नहीं चलाने के कारण बाढ़ पीड़ितों में सरकार के विरुद्ध गुस्सा फूटता जा रहा है। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने नीतीश सरकार पर आक्रोश व्यक्त करते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य चलवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोशी नदी के कहर के कारण नवगछिया प्रखंड के कदवा दियारा पंचायत, बीहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत और खरीक प्रखंड के लोकमानपुर पंचायत के कई गाँव डूब चुके हैं। इस क्षेत्र के 25,000 से अधिक लोग कोशी में आए बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, पर सुशासन सरकार कान में तेल डालकर सो रही है।
अरुण यादव ने नीतीश सरकार से बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने की मांग की है। जिसके पास सत्ता है, शासन है, व्यवस्था है, सारा सिस्टम है, वो सिस्टम चुपचाप तमाशा देख रही है। इसलिए मैं खास करके यहाँ भागलपुर के डीएम साहब से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा जो भागलपुर जिला का जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, इलाके की स्थिति जो है बाढ़ पीड़ितों की बहुत दयनीय है, वहाँ आप अविलंब नाव का व्यवस्था करवाइए। कई बाढ़ पीड़ितों से हमें बातचीत हुई, नौका चालकों से बातचीत हुई, उन्हें तीन तीन चार चार वर्ष तक का पैसा अभी नौ चालकों को मुहैया नहीं कराया गया है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमीन विवाद को लेकर हुई बमबाजी, एक की मौत, दो की हालत गंभीर। पुलिस जिला नवगछिया में सामने आया पुलिस का अमानवीय चेहरा, फरियादी महिला का नहीं दर्ज किया गया एफआईआर। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, नवगछिया में 10 वर्षों से बिना डॉक्टर के चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए मनाया गया संस्कृत सप्ताह दिवस, भारतवर्ष में संस्कृत भाषा के महत्व पर हुई चर्चा। और बांका में महिला की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया, पुलिस को गुमराह करने के लिए रची गई साजिश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।